नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं द फ्रंट। एक मुसलमान शिक्षक संस्कृत नहीं पढ़ा सकता। जी हां, डॉक्टर फिरोज संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि बीएचयू के जो छात्र हैं वो उन्हें संस्कृत पढ़ाने नहीं दे रहे हैं। बीएचयू में पिछले एक महीने से बवाल चल रहा है। दरअसल डॉक्टर फिरोज नाम के एक शख्स की, जो कि जयपुर से आते हैं, संस्कृत से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, दूसरी क्लास से लेकर के और नेट जीआरएफ तक उन्होंने संस्कृत से किया है, एमए संस्कृत से किया है। उनकी नियुक्ति बीएचयू में धर्म शिक्षा विभाग में संस्कृत पढ़ाने के लिए हुई और उसके बाद तब से लेकर के अब तक बीएचयू में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि बीएचयू में धर्म शिक्षा विभाग में कोई भी शिक्षक जो कि किसी दूसरे धर्म से, किसी दूसरे मजहब से आता हो, वो संस्कृत नहीं पढ़ा सकता है कि उनको अन्य विभाग में पढ़ाने का अवसर मिले। अगर योग्य व्यक्ति हैं तो अच्छी है। हमारी संस्कृत समाज सभी को वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हम लोग जीने वाले लोग हैं। हम लोग सबका सम्मान कर रहे हैं और सबको यह चाहते हैं, सबको रोज़गार मिले, उनको रोज़गार मिले, लेकिन संस्कृत भाषा में मिले, संस्कृत धर्म को न पढ़ाएं, बस यही है प्रशासन से। यही वजह है कि अब तक डॉक्टर फिरोज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संस्कृत की शिक्षा छात्रों को नहीं देने पहुंचे हैं। हालांकि वो कल पहुंचे, एक बार फिर पहुंचे। वो इसलिए पहुंचे क्योंकि बीएचयू के कला संकाय में एक बार फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू होना था और यह इंटरव्यू देने के लिए दोबारा डॉक्टर फिरोज बीएचयू पहुंचे। शायद डॉक्टर फिरोज ने यह सोचा था कि चलो धर्म शिक्षा विभाग में मेरी नियुक्ति को लेकर के ये छात्र आंदोलन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। उस समय इन छात्रों का ये कहना था कि अगर उनकी नियुक्ति होती है तो कला संकाय में हो, उसमें उनको कोई आपत्ति नहीं है। शायद ये सोच करके डॉक्टर फिरोज गए होंगे, लेकिन जब वहां वो पहुंचे तो उन्हें कल भी विरोध का सामना करना पड़ा। पोस्टर लगे हुए थे और साफ साफ उन पोस्टरों पे ये लिखा हुआ था कि गैर हिंदुओं को नहीं आने दिया जाएगा, गैर हिंदू बीएचयू में संस्कृत नहीं पढ़ा सकता। प्रशासन तमाम तरह की तैयारियां कर रहा है। प्रशासन को जब ये पता चला, बीएचयू प्रशासन को, कि छात्र विरोध कर सकते हैं, पोस्टर लगे हुए हैं, तो उन्होंने इंटरव्यू की जगह बदल दी। लेकिन छात्रों को पता चल गया और आंदोलन शुरू हो गया, हंगामे शुरू हो गए। एक बात नहीं समझ में आती कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षा ले रहे ये छात्र कौन सी संस्कृति और कौन सी सभ्यता की पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्हें ये बात नहीं समझ में आ रही है कि एक शिक्षक के लिए उसका धर्म नहीं आड़े आना चाहिए। आपने वेद उपनिषद और पुरानी चीजों में सारी चीजें साफ हैं कि धर्म के आधार पर जाति का बंटवारा नहीं हुआ था, शिक्षा के आधार पर जाति का बंटवारा हुआ था, उनके कर्मों का बंटवारा हुआ था। कहीं ये जातिगत वो नहीं था कि आप कौन क्या काम करेगा। जिसके पास जितनी विद्वता होगी, जितनी काम की, जिस काम की जानकारी होगी, वो उसके अनुसार वैसे चलता जाएगा और धीरे धीरे ये जाति में परिवर्तित हो गया, वंशवाद बन गया। आखिर डॉक्टर फिरोज क्यों संस्कृत नहीं पढ़ा सकते? सिर्फ इस वजह से कि वो एक मुसलमान है? तो अब तक दूसरी क्लास से लेकर के और एमए तक की पढ़ाई और उसके बाद नेट जीआरएफ जो संस्कृत में डॉक्टर फिरोज ने ली है, वो क्या बेकार चली जाएगी? ये कौन सी शिक्षा प्रणाली है? या फिर हम छात्रों को या बीएचयू के छात्र कौन सी शिक्षा ले रहे हैं कि उन्हें किसी मुस्लिम के द्वारा संस्कृत पढ़ना गवारा नहीं है? शिक्षा तो कहीं भी मिले ले लेनी चाहिए। रामायण की कहानियां आपने सुनी होंगी। भगवान राम ने जब रावण को मारा था तो उसके बाद लक्ष्मण को यह कहा था कि लक्ष्मण जाओ और रावण महापंडित है, उनसे कुछ ज्ञान लेके आओ। लक्ष्मण बहुत सोचने लगे। ये सोच करके वो परेशान थे कि राम क्या कह रहे हैं, ये तो एक दुराचारी, राक्षस, आतताई, पापी आदमी है, इससे ज्ञान लेने के लिए कह रहे हैं। तो भगवान राम ने समझाया कि रावण आतताई, पापी और दुराचारी रहा है, लेकिन रावण एक महाप्रकांड विद्वान और महापंडित रहा है, तो
तो अगर आप उसके पास जाएंगे तो आपको कुछ ज्ञान मिलेगा। और उसके बाद लक्ष्मण रावण के पास गए। ये कहानियां रामायण में सुनी है, आपके घर में आपके जो बुजुर्ग होंगे उन्होंने सुनाई होंगी ये कहानियां, बताया होगा। हम ऐसे संस्कारों में पले बढ़े लोग हैं, भारत की संस्कृति ऐसी रही है जहां शिक्षा को सबसे ऊपर का दर्जा दिया जाता है, विद्वानों को पूज्य माना जाता है। और यहां एक विद्वान क्योंकि मुसलमान है, हम उससे शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, हम उससे पढ़ाई नहीं करेंगे, हम उसको कॉलेज में आने तक नहीं देंगे, हम विश्वविद्यालय के अंदर उसको प्रवेश नहीं करने देंगे। धर्म शिक्षा संकाय में अगर समस्या थी कि धर्म शिक्षा संकाय में डॉक्टर फिरोज नहीं पढ़ा सकते क्योंकि वो धर्म का मामला है, तो अब तो कला संकाय में वो इंटरव्यू देने के लिए पहुंचे हैं, अब किस बात का आंदोलन। समझना होगा, जरूरी नहीं है कि सारे छात्र यही चाहते हों कि डॉक्टर फिरोज BHU में ना पढ़ाए। शायद कुछ एक छात्र जो विश्वविद्यालय के माहौल को ठीक नहीं रखना चाहते वो जानबूझ करके ये कर सकते हैं, और जानबूझ के शायद ये हो रहा है। सरकार चुप है, एडमिनिस्ट्रेशन चुप है, कहीं से कोई आवाज नहीं आती। सरकार को आगे आना चाहिए इस पे, लोगों को बताना चाहिए और ये कहना चाहिए कि आखिर संस्कृत पढ़ाने में डॉक्टर फिरोज को अगर संस्कृत पढ़ाते हैं तो इसमें क्या समस्या है। हमारी संस्कृति ऐसी रही है, ये जानो समझो। विरोध एक किसी मकसद के लिए होना चाहिए, किसी मकसद को या किसी ऐसे मकसद के लिए नहीं जो कि समाज की रूपरेखा बिगाड़े। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।